हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार फ्रॉम एसकेसी हजारीबाग और ये वीडियो नंबर 9 है फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर क्लास 10th। इस क्वेश्चन में बोला है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m, 6m+3, 6m+5 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, लेकिन वो ऑड होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर ऑड लेना है तो वो चाहे इसके फॉर्मेट में हो, चाहे इसके फॉर्मेट में हो, चाहे इसके फॉर्मेट में हो। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप पार्ट 8 और 7 भी देख ले तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे तो ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, बोला है क्वेश्चन में, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से जानते हैं कि अगर यदि आप 2 का मल्टीपल में लिखना चाहते हैं तो का नंबर किसके फॉर्मेट में होगा, 2m या 2m+1। 3 के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं पूरा नंबर सिस्टम को, किसके फॉर्मेट में होगा, 3m, 3m+1, 3m+2। 4 के फॉर्मेट में हो तो 4m, 4m+2, 4m+3, 4m+4, सॉरी 3 तक ही जाना है 4 का फॉर्मेट में। ठीक है, और 5 का फॉर्मेट में लिखना हो तो 5m, 5m+2, 5m+3, 5m+4। ठीक है, यहीं तक होगा। और 6 का अगर लिखना हो तो 6m, 6m+1, 6m+2, 6m+3 और 6m+5। पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सबके लिए, इवन के लिए भी, ऑड के लिए। क्वेश्चन में बोला है सिर्फ ऑड के लिए, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इवन के लिए नहीं। तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और हमारा 2 ठो इवन था ये कट गया। तो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ इसको, ये तीनों का, 6m+1, 6m+3, 6m+5, जो कि वही बचा है। तो ये क्वेश्चन में था। अब क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो आप, ऑड लेना, ऑड, ठीक है, इवन नहीं, तो चाहे तो इस तीनों के फॉर्मेट में ही होगा। तो मान लीजिए कि मैं 25 ले लेता हूँ, तो 25 को मैं जब 4 से डिवाइड करूँ, 25 को मैं जब 6 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मैंने डिवाइड करके आने दिखाया है, ठीक है, आप कर लीजिएगा तो ध्यान से देख लीजिए। जैसे 25 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 4 जा 24 बचा 1। तो मैं इसको इस स्टेप से यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से लिख सकता हूँ, डिविजेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, वैसे लिखा तो 25 इज इक्वल टू 6 × 4+1। अब 4 को आप m मान लीजिए तो 6m+1 के, यानी 25 क्या चीज़ था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और उसको मैंने किस में एक्सप्रेस कर दिया, 6m+1। उसी तरह 21 मान लेते हैं तो 21 को भी आप डिवाइड कीजिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 3 जा 18+3 कर दी जानते हैं तो, नहीं तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 3 6 3 जा 18 बचा 3। अब आप फिर से लिखे डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो 6 21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 × 3+3, जैसे किया मैंने, अब यहाँ लिख लिए। अब 3 को आप m मान लीजिए तो 6m+3, देखिए क्वेश्चन में बोला था चाहे इसमें इसमें इसमें, तो ये 6m+3 इसमें मैच कर गया। अब मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेने बोला था, रैंडमली मैंने 23 को ले लिया। अब 23 को मैं जब डिवाइड करूँगा 6 से, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, तो 6 3 जा 18, अब बचेगा रिमाइंडर 5, तो 23 इज इक्वल टू 6 × 3+5 लिख सकते हैं, वही डिविडेंट वाला। अब 6 3 को m मान लीजिए तो 6m+5 ये किसके फॉर्मेट में हो गया, इसके फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ऑड लेना है, इवन नहीं, तो इसी तीनों के फॉर्मेट में होगा, चाहे इसमें इसमें इसमें, एक दो ठोर ले लीजिए मन कर रहा है, तो जैसे 97 ले लिए तो 97 को जब 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 16 क्वेश्चन 1 रिमाइंडर बचा, तो अब लिख सकते हैं 97 इज इक्वल टू 6 × 16+1, 16 को m मान लीजिए, ये भी किसके फॉर्मेट में हो गया, 6m+1, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। हमेशा ऑड लेना, एक और लेने का मन कर रहा है तो ले सकते हैं, 17 ले लिए तो 6 × 12 बचा 5। अब फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं वही यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो 6 17 इज इक्वल टू 6 × 12+5। अब 2m मान लिए, फिर से देखिए किसके फॉर्मेट में आ गया, इसी के फॉर्मेट में, ठीक है, 5 वाले के फॉर्मेट में। एक और ले लीजिए, मान लीजिए 45, कोई भी नंबर ऑड लेना है तो 45 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 7 क्वेश्चन 3 रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं 45 इज इक्वल टू 6 × 7+3। अब 7 को m मान लिए तो 6m+3, तो देखिए ये किसके फॉर्मेट में आ गया, 6m+3। तो इसी तरह आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं ऑड,
होना चाहिए लेकिन इंटीजर ऑड इंटीजर, और उसको आप इसके फॉर्मेट में तीनों में से किसी एक के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से रियली में सॉल्यूशन है, अगर दी आपको अब यहीं से मिलेगा सॉल्यूशन। देखिए तो जो यहाँ पे नंबर रहता है वही हम लोग मान लेते हैं, यहाँ सिक्स है तो सिक्स से डिवाइड करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में जब समझा रहा था सिक्स से ही डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए सारे में हम लोग ने किससे डिवाइड किया, सिक्स से, यहाँ पर भी सिक्स से, यहाँ पे भी सिक्स से, जहाँ सब जगह सिक्स से। तो हम लोग मान लेते हैं कि एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इससे रैंडमली एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, एन है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे किससे डिवाइड कर रहे थे, सिक्स से, यहाँ सिक्स दिए हुए सिक्स से डिवाइड करेंगे। तो उन डिवाइडिंग एन बाई सिक्स, लेट एम बी द क्वेसेंट, ध्यान दें यहाँ जो रहेगा उसी को क्वेसेंट मान लीजिएगा, क्यू मत मान लीजिएगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में क्यों मान लिया था, जो यहां रहे वही सिक मानना। लेट एम बी द क्वेसेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो और इज इक्वल टू जीरो और लेस देन सिक्स, यानी आर का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो केस वन आर का वैल्यू जीरो, तो देन एन इज इक्वल टू सिक्स है। अब ध्यान से देखिए इवन है तो इवन वाला हमें नहीं लेना है, ठीक है, ऑड वाला लेना है, तो इसको मैंने नहीं लिया। उसके बाद केस टू में आर का वैल्यू वन ले लीजिए, तो सिक्स एम प्लस वन, ये क्या है, ऑड है, ठीक है, और इसी को ना लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इवन कैसे पता चल जाएगा आपको, आप किसी भी नंबर को, कोई भी सभी, जैसे सेवन, सेवन एक ऑड नंबर, ऑड को आप जैसे सिक्स से इंटू कर दिए, सेवन सिक्स है 42, मतलब कोई भी ऑड नंबर को आप इवेन से इंटू करोगे तो इवेन ही आ जाएगा। ठीक है, और इवेन नंबर को भी जैसे सिक्स इवेन है और सिक्स दोनों इवेन है, सिक्स सिक्स जा क्या आ जाएगा 36, मतलब इवेन नंबर ऑड नंबर को इवेन से इंटू कर दोगे तो इवन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इवेन है पता चल गया। अब जैसे ही ऑड नंबर को या फिर ऑड नंबर में आप इवेन नंबर, ऑड नंबर में आप सिक्स मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ किए ऑड में इवन मल्टीप्लाई के सिक्स किए, ठीक है, तो आया 42। अब 41 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 43, ऑड है इससे पता चल जाता है, तो ये क्या है, ऑड नंबर। तो हम यही ना बोलना था, ठीक है, ऑड नंबर ही लेना था, इवन वाला तो नहीं, तो ऑड रहेगा तो इसके फॉर्मेट में, ठीक है, इवन वाला तो यहाँ दिखाना नहीं, हम दिखा दे रहे हैं पर लेना तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद केस थ्री, आर इज इक्वल टू टू, तो R इज इक्वल टू टू ले लेंगे तो ये भी इवेन है। ठीक है, आप M का कोई भी वैल्यू ले लो, इवेन ले लो या ऑड ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, आपको इवेन ही मिलने वाला है। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, वन ले लीजिए तो सिक्स इंटू वन प्लस टू, एट आ जाएगा, टू ले लो तो टू टू छः दुनी बारह, बारह दो चौदह, इवेन ही आ जाएगा। तीन ले लो, छः तीन अठारह, अठारह दो बीस, इवेन ही आएगा, तो इवेन वाला तो लेना नहीं है, हम लोग को दिखाना नहीं है। ठीक है, फोर केस में आर का वैल्यू तीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स एम प्लस थ्री, जो कि ऑड है, आप कोई सा भी एम का वैल्यू ले लेना है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, आपको ऑड ही नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग आर का वैल्यू फोर ले लेंगे तो इवन हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू फाइव ले लेंगे तो एन इज इक्वल टू सिक्स एम, ऑड हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना कि अगर दी ऑड वाला हमको सिर्फ लेना है, सिर्फ ऑड वाला, ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए इवन भी हो गया इसमें, तो कोई सा भी ऑड इंटीजर हो, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो किसके फॉर्मेट में होगा, सिक्स एम प्लस वन, चाहे सिक्स एम प्लस थ्री, चाहे सिक्स एम प्लस फाइव, फॉर सम इंटीजर एम। ठीक है, तो वही मैंने हेंस में लिखा है क्वेश्चन से ही देख के, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स एम प्लस वन और सिक्स एम प्लस थ्री और सिक्स एम प्लस फाइव फॉर सम इंटीजर एम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा रीजन की वजह से पूरा अच्छा सा समझाया मैंने, शॉर्टकट भी बना सकते हैं आप इसको, शॉर्टकट मतलब बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे शॉर्टकट भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें रीजन नहीं बताया हुआ होता है, पर इसमें पूरा रीजन सही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।